फाइनली इंडिया में ओप्पो रेनो 11 5G स्मार्टफोन के लिए कलर OS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 का ऑफिशियल फर्स्ट बीटा अपडेट है वो इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और गाइज आपको काफी सारे नए फीचर्स है ना वो इस अपडेट के अंदर मिल जाते हैं, कंट्रोल सेंटर, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, डायनेमिक आइलैंड, सभी नए फीचर्स के बारे में वीडियो में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए और आपको इस अपडेट के अंदर प्रॉब्लम मिलती है या फिर नहीं वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कर देना और यार आज तो अपडेट रिलीज हुआ है इस बात पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आपके स्मार्टफोन के लिए जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा कुछ समय के बाद में तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि इस अपडेट की इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ में पहले ही शेयर कर दी गई है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपडेट के बारे में, तो अपडेट की टोटल साइज आपको मिलती है 5.61 GB जो कि काफी एक बड़ी साइज का यहाँ पर अपडेट है वो आप लोग कह सकते हो। और अपडेट का वर्जन नंबर है 15.0.230। अपडेट के अंदर गाइज आपको फर्स्ट फीचर है वो यहाँ पर मिलता है कंट्रोल सेंटर के अंदर। तो फाइनली इसका जो UI है ना वो यहाँ पर चेंज किया गया है ओप्पो की तरफ से। जो नई डिजाइन है उसके अंदर आपको सभी टॉगल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि ओप्पो की तरफ से क्या किया जाता है, ज्यादातर जो स्मार्टफोन है ना उसके अंदर आपको इस प्रकार का व्हाइट कलर का ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ओप्पो के इस फोन के अंदर आपको प्रॉपर जो आपका बैकग्राउंड के अंदर वॉलपेपर है ना उसी की तरह यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट मिलता है जो कि दिखने में काफी सही लगता है। ब्राइटनेस स्लाइडर, वॉल्यूम स्लाइडर दोनों की डिजाइन है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है और देख सकते हो काफी स्मूथ एनिमेशन है वो यहाँ पर ऐड की गई है, बिल्कुल भी यहाँ पर ये चीज लेग नहीं करती है। ये जो मीडिया प्लेयर है वो यहीं पर रहता है, चाहे आप लोग म्यूजिक को ऑफ रखो या फिर ऑन रखो, नीचे की तरफ जितने भी जो टॉगल्स हैं वो आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलते हैं। और जो सबसे बड़ा चेंज लोग है वो इस बार किया गया है ओप्पो की तरफ से कि आपको दो नए कंट्रोल सेंटर हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दोनों में से आप लोग किसी को भी यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर गाइज अभी स्प्लिट है उसको ऑन करके रखा है, तो स्प्लिट कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको राइट साइड में सभी टॉगल्स हैं वो मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको जितने भी जो नोटिफिकेशन है वो मिलेंगे, मतलब कि इंस्टा और जो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आएंगे वो चीज आपको यहाँ पे शो होगी और राइट साइड में आपको सभी टॉगल्स मिल जाएंगे जिनको कि आप लोग इस प्रकार के एक्सेस कर सकते हो। अब आपको शॉर्टकट मिल जाता है, आप लोग नोटिफिकेशन पैनल से कंट्रोल पैनल के अंदर इजीली यहां पर मूव हो सकते हो और दोनों के बीच में बिल्कुल भी लेग नहीं है और इजीली आपको यहां पर काफी स्मूथ एनिमेशन है वो यहां पर देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक सेकंड के लिए क्लासिक वाला भी दिखा देता हूं वो कैसा मिलता है। तो उसकी भी डिजाइन है वो तो आपको चेंज नहीं मिलती है, लेकिन इसके लोगो है ना वो यहां पर ऐड किए गए हैं, डायनेमिक इफेक्ट है वो यहां पर ऐड किया गया है, मतलब कि नीचे आपको हल्की सी शेडो है ना वो यहां पर नजर आएगी। और जब आप लोग इसको फुल डिस्प्ले के अंदर स्वाइप करोगे तो देख सकते हो जितने भी जो लोगो है वो तो चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन इनके अंदर जो कलर है ना वो ब्लैक कलर है वो फिल कर दिया गया है, जबकि पहले की तरह आपको यहां पर ओनली व्हाइट कलर है वो यहां पर मिला करता था। तो इसकी डिजाइन है वो यहां पर चेंज हो चुकी है और इसके अंदर आपको इस प्रकार का बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट है वो मिल जाता है। तो नया वाला कंट्रोल सेंटर है स्प्लिट वाला, तो एक बार के लिए हम लोग इसी को यहां पर कुछ समय के लिए यूज करेंगे। सेकंड गाइस जो बड़ा चेंज लोग है वो आपको मिलेगा सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। फाइनली सेटिंग एप्लीकेशन का जो UI है ना वो यहां पर चेंज कर दिया गया है। एरोप्लेन मोड का ऑप्शन है वो सबसे ऊपर की तरफ आ चुका है, जबकि पहले आपको ये सभी ऑप्शन है वो ऊपर यहां पर मिला करते थे। हर एक की कैटेगरी है वो डिवाइड कर दी गई है और नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग का एक नया ऑप्शन है वो भी यहां पर ऐड कर दिया गया है। नीचे आपको सिमिलर वही फंक्शंस हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे। और हां, इस अपडेट के अंदर आपको वॉल्यूम स्लाइडर है उसकी डिजाइन है वो चेंज देखने को मिलती है, जो कि कुछ कुछ यहाँ पर नजर आती है एप्पल के iOS के सिमिलर। तो पास से आप लोगों को गाइज मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको मूविंग स्लाइडर है वो मिल जाता है जिसकी एनिमेशन कुछ ऐसी है। और जब आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम को अप और डाउन करते हो ना तो फोन के अंदर हैप्टिक फीडबैक है वो भी आपको मिल जाएगा। जब आप लोग इसको स्वाइप करोगे तो पुरानी वाली डिजाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो फीचर है वो आपको मिलेगा सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल का जो UI है वो चेंज हो चुका है। ऊपर की तरफ आपका जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपको मिल जाएगा और नीचे आपको कुछ यहाँ पर ऐसे फीचर मिल जाएंगे। माई थीम्स के अंदर आपके जितने भी जो सेटअप्स हैं वो आपको मिलेंगे और यहां से आप लोग इनको
इस प्रकार से रिमूव भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको चले जाना है मोर थीम वाले ऑप्शन के अंदर। तो इसके अंदर आपको क्लासिक के काफी सारे सेटअप मिल जाएंगे, माउंटेन के सेटअप मिल जाएंगे, टेक्स्ट के सेटअप मिल जाएंगे, और ये जो पल्स वाला है ना, ये आपको काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद आने वाला है। ये वाली कैटेगरी के अंदर भी जो टेक्स्ट और इमेज है वो काफी हाई क्वालिटी की है। बाकी आप लोगों को और भी सभी इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर आपको कोई सेटअप है वो यहाँ पर पसंद आता है ना, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है, और आपके फोन के अंदर ये वाला सेटअप अप्लाई हो जाएगा। सेटअप के अंदर आपको लॉक स्क्रीन का ऐसा लेआउट है वो मिलेगा, जो कि बना बनाया हुआ आपको मिल जाता है, और होम स्क्रीन के अंदर आपको इस प्रकार का सेटअप मिलेगा। तो प्रीव्यू भी आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करके। लॉक स्क्रीन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग इस टेक्स्ट को यहाँ पर चेंज कर पाओगे, एक टेक्स्ट, दो, तीन, तो टोटल आपको 5-6 टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इनके नीचे इसका कलर है वो भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और नीचे आपको एक स्लाइडर मिल जाता है जिससे कि आप लोग लेफ्ट साइड में डार्क कलर को यहाँ पर कर सकते हो और राइट साइड में आपको लाइट कलर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ये व्हाइट कलर दिखाई देगा, तो ये प्रॉपर व्हाइट कलर है वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो क्लॉक है वो आपको दिखाई दे रही है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप लोग इसके अंदर टेम्परेचर वगैरह है ना वो यहाँ पर एड कर सकते हो, और इसका जो UI है वो भी आप लोग चेंज कर पाओगे। जैसे कि अभी के लिए हमने इसको सेंटर में यहाँ पर प्लेस कर दिया, बाकी लेफ्ट और राइट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। थोड़ा नीचे की तरफ आप लोग गाइज यहाँ पर आओगे तो आपको अलग अलग फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसा कि गाइज आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया है, और ये जो स्लाइडर है ना इसकी मदद से आपकी ये जो क्लॉक है वो अभी स्लिम हो चुकी है, पतली हो चुकी है, और ये आपके ठीक हो चुकी है, बोल्डर लुक है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। तो सेंटर में हम लोग इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब इसका कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो या तो आप लोग व्हाइट अप्लाई कर सकते हो, या फिर ब्लू कलर है वो फोन हमें रिकमेंड कर रहा है, दो कलर, और इस प्रकार से आप लोग अपना कोई कलर है वो भी यहाँ पर चूज कर सकते हो। नीचे आपको स्लाइडर मिल जाएगा, उसकी मदद से आप लोग कलर को डार्क या फिर फेड कलर है उसके अंदर भी ले जा पाओगे। तो इतनी कस्टमाइजेशन हो गई। अब ये जो डेप्थ इफेक्ट है ना, इसको अगर आप लोग ऑफ कर देते हो तो आपका टेक्स्ट है वो सामने की तरफ आ जाएगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो हम लोगों को चेंज करना है, तो इसको मैं यहां पर जैसे कि अप्लाई करूंगा तो एनिमेशन देखना, एनिमेशन काफी अच्छी ऐड की गई है। और ये जो वॉलपेपर का ऑप्शन है ना गाइस, इस पे क्लिक करके आप लोग या तो इनमें से कोई वॉलपेपर को चूज कर सकते हो, या फिर अपनी जो गैलरी एप्लीकेशन है वहां पे जाके इस वाले वॉलपेपर को भी जैसे कि मैंने यहां पर चूज कर लिया है, तो ये हमारा वॉलपेपर है वो हो चुका है इस प्रकार से ऐड। अब आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आपको अलग अलग फिल्टर्स मिल जाएंगे। ये तो कुछ यहाँ पर नथिंग वॉलपेपर है उसकी तरह यहाँ पर नजर आता है। सेकंड आपको फिल्टर ऐसा मिलेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो टोटल आपको काफी सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे। और इसके अंदर भी आप लोग ब्लर इफेक्ट है वो ऐड कर सकते हो, फर्स्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जैसे जैसे आगे जाते जाओगे ब्लर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टोटल आप लोग कह सकते हो आपको 12 नए फिल्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसका लुक अलग है और इसका लुक यहाँ पर अलग है। तो ट्राई कर लेना, बाकी मैं तो अभी के लिए इनको ऑफ कर देता हूँ और डेप्थ इफेक्ट को ऑन कर देता हूँ। तो आपका ये जो सेटअप है वो हो चुका है रेडी, और अब आप लोग इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। ये है आपकी लॉक स्क्रीन का सेटअप और ये है आपकी होम स्क्रीन का सेटअप। होम स्क्रीन सेटअप के अंदर नया क्या मिलता है आइए बात करते हैं। कलर के अंदर जाके आप लोग जो इसके अंदर मैक्सिमम जो कलर है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वॉलपेपर के अंदर जाके कोई नया वॉलपेपर ऐड कर सकते हो। कलर वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके खुद का कोई नया कलर है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ये वैसे आपको ग्रेडियंट इफेक्ट मिलेगा, ये सॉलिड इफेक्ट मिलेगा, मतलब कि जो ब्लू कलर है ना तो वो एकदम ही यहाँ पर ब्लू कलर है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। ब्लू कलर के अंदर आपको ऊपर थोड़ा ज्यादा ब्लू है और नीचे थोड़ा लाइट ब्लू है। तो ये कुछ आपको फीचर मिल जाते हैं। और मैच लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, तो जैसा आपने वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पे लगा रखा होगा वैसा ही आपका होम स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसके अंदर ये तो पुराना जो क्लासिक लुक है वो काफी मतलब कि नॉर्मल सा है, और सीमलेस वाला है ना वो आपको नया देखने को मिलता है, और इसका भी प्रीव्यू आप लोग देख सकते हो। अब इन तीनों ही सेटअप्स को हमने कंबाइंड कर दिया है और अप्लाई कर दिया है। अब आप लोगों को मैं एनिमेशन है ना वो यहां पर दिखाने वाला हूं, तो अभी के लिए हम लोग इसको एक बार के लिए क्लोज करते हैं, और अब देखना एनिमेशन। ये है आपकी लॉक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन।
तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और लॉक स्क्रीन के बीच की जो एनिमेशन है ना, वहां पर काफी अच्छी यहां पर ऐड की गई है ओप्पो की तरफ से, बिल्कुल भी लैग नहीं करती है और काफी स्मूथ एनिमेशन है वो यहां पर क्रिएट की गई है। और अभी के लिए मैं इसको ऑन करता हूं तो देखना होम स्क्रीन का सेटअप है वो भी आप लोग देख सकते हो। तो ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लॉक स्क्रीन और ये हमारी होम स्क्रीन, काफी अच्छा सेटअप है वो हमने यहां पर क्रिएट कर लिया है। और इसकी एनिमेशन अलग है और एक मैंने जो पहले सेटअप बना के रखा है उसकी भी एनिमेशन मैं आपको दिखा देता हूं और इसकी एनिमेशन अलग है। ये जो टेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार से पॉपअप टाइप की एनिमेशन आप लोग कह सकते हो। तो मेरे को ये जो सेटअप है वो काफी ज्यादा पसंद है तो इसी को मैंने अप्लाई करके रखा है। बाकी आपको ये वाला वॉलपेपर और ये वाला वॉलपेपर दोनों में से किसी भी वॉलपेपर को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको ओप्पो के टेलीग्राम चैनल पे आके इसके बायो में जो सहेज वॉलपेपर हमने टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके रखा है इसके अंदर आपको सभी नए वॉलपेपर्स मिल जाएंगे तो इसको ज्वाइन कर लेना। ओप्पो का जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और इसको भी ज्वाइन कर लेना अगर टेलीग्राम को ओपन ही कर लिया है। नेक्स्ट कुछ फीचर्स है गाइस वो आपको मिलेंगे सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आपको ये सभी ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। अब आपको जाना है नीचे और आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग, तो सिंपली आप लोग इस पे जैसे क्लिक करोगे तो जो हमारा डायनेमिक आइलैंड है ना उसका नेम है वो चेंज होके लाइव अलर्ट्स हो चुका है और इसके अंदर आपको काफी सारे नए फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ओनली दो ही अभी इसको सपोर्ट करती है, जो जोमेटो और स्विगी। और इनमें से अगर आप लोग किसी एप्लीकेशन से फूड है वो पार्सल करोगे, प्लेस करोगे ऑर्डर, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपका ये जो कैमरा लेआउट है उसके अराउंड मिलेगा जो कि ऐसा दिखाई देगा आईफोन की तरह। और आपके फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको ये सभी एक्शन मिल जाएंगे तो आइए इनको यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो सिंपली एक बार के लिए आपको क्लॉक एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है और आपको टाइमर लगा के क्लोज कर देना है तो उसकी एनिमेशन है गाइस वो आप लोग देख सकते हो कितनी स्मूथ एनिमेशन है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर चली जाती है। अब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो इसका प्रीव्यू आपको शॉर्ट वाला दिखाई दे जाएगा, क्लिक करके रखोगे तो इसकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर है वो आपको मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैंने ऑन कर दिया है और अब जो आपका डायनेमिक आइलैंड है उसके लेफ्ट और राइट साइड में आपको दो लाइन्स है वो दिखाई दे रही होगी, मतलब कि इधर स्वाइप करोगे तो टाइमर का लेआउट आ जाएगा, वापस से आप लोगों को स्वाइप करना है तो आपका जो लेआउट है वो गायब हो जाएगा इस साइड में, और आपको क्या करना है वापस से इधर की तरफ स्वाइप करना है तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लेआउट आ जाएगा। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपकी दोनों एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, मतलब कि एक्शन है ना वो आपको दिखाई दे जाएंगे। अभी तक गाइस जितने भी जो यूजर हैं जिन्होंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया है ऐसी कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिली है। तो अगर आप लोग इस अपडेट को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो, आपके फोन के अंदर अपडेट शो हो रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेना है। नए फीचर्स है ना वो आप लोग यहां पर ट्राई कर सकते हो। बाकी जो ऑफिशियल अपडेट है वो आपको मिलेगा दिसंबर मंथ के अंदर, और जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।